आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक शॉपकीपर ने कुछ एप्पल्स खरीदे, 3600 रुपीस के एप्पल खरीदे, ठीक है। उसने 1/5 ऑफ देम 10% लॉस पे बेच दिए, रिमेनिंग का 1/4 5% लॉस पे बेच दिए, रेस्ट का यानी फिर से रिमेनिंग का 2/3 15% प्रॉफिट पे बेच दिए। तो बाकी बचे हुए वो कितने प्रॉफिट पे बेचे? अगर ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है 27%, ठीक है। तो बच्चों ने भेजा, उनको कैलकुलेटिव लगा, मुझे भी अच्छा लगा शॉर्ट वीडियो के लायक। तो अब ये कैलकुलेटिव है या नहीं, वीडियो के अंत तक देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग से कैलकुलेटिव बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लेता हूं, मैंने मान लिया, मान लो सिर्फ 5 एप्पल थे, ठीक है, मतलब 5 एप्पल खरीदे 3600 के, यानी एक एप्पल है आपका 720 का, ये कॉस्ट प्राइस है। हमने 5 मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हो, 60 मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने 5 इसलिए माना कि 1/5 कर रहे हैं, और मतलब 1/5 कर रहा था, तो मैंने मान लिया कि इसका 1/5 1 है, इसको बेचा 10% लॉस पे, रिमेनिंग 4, रिमेनिंग का 1/4 यानी फिर 1 है, इसको 5% लॉस पे बेचा, फिर रिमेनिंग 3 है, रिमेनिंग का 2/3 इसको बेचा 15% प्रॉफिट पे, और फिर रिमेनिंग इसका हमें पता नहीं, और ये वाला मैंने x परसेंट पे ले लिया। तो अगर मैं वेटेड एवरेज से सॉल्व करता हूं, तो 1 × −10%, 1 × −5%, 2 × 15%, और x परसेंट डिवाइडेड बाय ये 15 है, यानी इसको 30% लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 5, इसकी वैल्यू 27 दे रखी है। तो 27, ये 135 हो गया, और इस तरफ कितना हो गया, 15, 30 में से 15 गए, 15% प्लस x परसेंट, तो x परसेंट की वैल्यू 120% हो गई, कि भाई x की वैल्यू 120%, ठीक है। यानी मैं बचवों को, जो ये मेरा ये जो है 1 एप्पल, इसको कितने में बेचूंगा? आपने बोला कॉस्ट प्राइस तो इतना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120% का प्रॉफिट है, तो 720 को 2.2 टाइम्स पर बेच दो। अभी बताता हूं 2.2 कैसे आया। तो आपने बोला इसको करोगे, पॉइंट से डेसिमल हट गया, 72 × 2 × 11, यानी 144 × 11, तो 4851 1584 बी आंसर है। एक बार और देखते हैं। देखो, सबसे पहले दो पार्ट में मैं 5 माना, मान लिया 5 मेरे 3600 के हैं, आप 60 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, देख लेना अपने हिसाब से। एक की वैल्यू 720, ये सीपी है, ठीक है। अगर मैंने वेटेड एवरेज से 5 था, मैंने देखा एक 10% लॉस पर, रिमेनिंग 4 है, 4 का फिर 1/4 5% लॉस पर, बचा 3, 3 का 2/3 अगर हम निकाल रहे हैं तो 15% प्रॉफिट पर, और बचा हुआ 1 ये मेरा था सीधा सीधा x परसेंट। तो ओवरऑल जब मैं निकाल रहा हूं, 1 × −10% प्लस 1 × −5% और प्लस 2 × यानी 30 और x परसेंट, वेटेड एवरेज से मेरा आंसर ये आएगा, और गिवन है आंसर 27, तो x की वैल्यू आ गई 120%। तो एक सिंपल सा बात, सिंपल सी बात बताइए, अगर प्रॉफिट 120% है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एसपी निकालना है, तो मैं 720 में प्लस 120% ऑफ 720 कर सकता हूं, या आप सीधा बोल दो कि 720 को आप 220% बना दो, तो 220% का मतलब कितना होता है, क्योंकि 720 कॉमन ले लूंगा, तो आप बोलोगे ठीक है, तो इसका मतलब है 2.2, तो सीधा आंसर आ जाएगा, जैसे ही आप निकालोगे कि भाई 720 720 × 2.2 इज 1584 सॉल्व। तो सही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ सकता हूं मैं, अगर किसी को टिपिकल लगा तो थोड़ा बेसिक का इशू होगा, बाकी ये है कि कैलकुलेटिव भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो देखते हैं हम, इसके बाद बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। Thank you.